चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट बुक चैनल पर। और ना नमस्कार, यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करनी है हमें दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन को लेके, क्योंकि एक अपडेट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली नजदीक है और थोड़ा सा माहौल भी बनता है दिवाली नजदीक होने के साथ साथ कि भैया आप जो है थोड़ा क्रैकर से दूर रहे, एंड ऑब्वियसली इट्स गुड कि पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं दिल्ली एनसीआर की कंडीशन अभी से बताना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर का जो अभी लाइव अपडेट है वो ये है कि जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो बिल्कुल डिट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसमें अलार्मिंग लेवल है, ठीक है, वहाँ पे पहुंच चुका है 400 के डेंजर को पास कर चुका है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिनेरियो बन चुका है जहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, ठीक है। अभी हम इस चीज पे भी आएंगे कि क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स कब बढ़िया होता है, मॉडरेट, अनहेल्दी, ये सब चीजें। मतलब इंडिया लास्ट में पहुंच चुका है, दिल्ली लास्ट में पहुंच चुका है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल जो हैं दिल्ली में बंद कर दिए गए 2 दिन के लिए, ठीक है। सीवियर एयर क्वालिटी है, ठीक है, नेशनल कैपिटल में। मतलब दिक्कत है अगर हम बाहर जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए स्कूल के बच्चों को छुट्टी दी गई है 2 दिन की, और क्वाइट पॉसिबल जो इवन ओड है उसको भी लाना पड़ रहा है, ठीक है। बेसिकली कुछ लोकेशन तो ऐसे ही जैसे आनंद विहार, पंजाबी बाग, ठीक है, मुंद का, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल सीवियर कैटेगरी जो है अबव 400 AQI जो मार्क है उसको क्रॉस कर चुका है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, ठीक है। सिचुएशन से देखो जो है ना, सोल्यूशन अब इस चीज का ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ की क्रैकर्स ही बंद करने पड़ेंगे। द मेन क्रैकर एक बड़ा रीजन नहीं है, द मेन रीजन इज कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क जो नॉन असेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क है उन सभी को रोका जाए, ठीक है, ठीक है ना। प्राइमरी स्कूल जो है उनको बंद कर दिया जाए थोड़े समय के लिए, ठीक है। सिचुएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, डीजल पे ठीक है इम्पोज किया गया है, पेट्रोल व्हीकल जो है उनकी ऑपरेटिंग थोड़ी सी कम की जाए, ओड इवन लाया जाए, ये सब चीजें रिक्वायर्ड है अगर हमें दिल्ली को साफ लेने लायक रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें रिक्वायर्ड होंगी। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि ये जो एयर क्वालिटी है वो किस वजह से खराब होती है। पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5, जिसकी जितनी डेंसिटी है उसी हिसाब से रहता है। अगर कम डेंसिटी है तो गुड है, यानी कि 0 से 50, थोड़ा सा ज्यादा है तो 51 से 100 में मॉडरेट है, और ज्यादा है तो 101 से 150 अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, यानी कि कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए, एंड और ज्यादा है तो 151 से 200 अनहेल्थी फॉर एवरीवन। उसके बाद वेरी अनहेल्थी एंड हैजार्डस, दिल्ली यहाँ पे हैजार्डस, दिल्ली यहाँ पे है। व्हेन एयर क्वालिटी इज सो सीवियर की कोई भी नहीं उसे, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आ जाए सभी, दैट इज कॉल्ड अ सीवियर कंडीशन जिसमें दिल्ली इस समय है, ठीक है। कोई तो सर बाकी शहर भी ऐसे ही हैं क्या? देखिए दिल्ली उदाहरण है, शहर भारत में बहुत सारे ऐसे हैं जो शहर होने की वजह से, मेट्रोपोलिटन सिटी होने की वजह से बहुत सारे सिटीज तो ऐसी हैं जहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पंजाब के कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी तक खराब हो चुका है, पीने का पानी। एयर क्वालिटी की तो चलो बात ही अलग है, वो तो एयर क्वालिटी तो खराब है ही, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जब हम जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी लेवल अच्छा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एयर क्वालिटी लेवल को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट जो है उसी जगह पे हो जाए कि लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े। कम माइग्रेशन होगा, डेंसिटी कम होगी, ठीक है, पोल्यूशन कम होगा, अब सो चीजें कम होती है, इसलिए जरूरी है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वहीं से अगर हम कुछ ऑपरेट कर सकते हैं डेफिनेटली वहीं से ऑपरेट करें, देश भी तरक्की छुएगा और ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा, शहरी क्षेत्रों में इतना भार नहीं पड़ेगा जिस वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये सब कि कंस्ट्रक्शन क्यों कब बढ़ रहा है, जब लोग शहर की तरफ जा रहे हैं तभी तो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र है पेड़ पौधे ज्यादा हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा भी तब भी जो पेड़ पौधे हैं उस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। शहर में पोल्यूशन इस वजह से भी है कि पेड़ ही नहीं है, अगर पोल्यूशन होगा भी तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, ओनली पेड़, पेड़ है ही नहीं। तो ये इशू है दिल्ली का इस समय। बाकी चीजों को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, अमन सर टेक्स्ट बुक पे। मेरे सब्सक्रिप्शन के लिए आप जा सकते हैं, अमनदीप कोड SSC फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊं ज्वाइन करने का, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे जाइए, ठीक है, और अपना गोल SSC सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, और SSC गोल सेलेक्ट करिएगा, सुपर पैक पे जाएगा, इसमें आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो ये यूटिलाइज करिए, ठीक है, अमनदीप कोर्स से, ठीक है।
और टेलीग्राम ओपन सर टेक्स्ट बुक पे जरूर जुड़िए, वीडियो को शेयर करिएगा सारी जगह। धन्यवाद आप सभी का।